सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में व्यंजन संधि जो पढ़ रहे थे, चतुर्थ संधि और स्तुत्व संधि पढ़ा दी गई थी। आज हम पढ़ेंगे जस्व संधि। सूत्र है सलाम कथा झल झल प्रत्याहार के वर्ण झ ये झल के वर्ण अर्थात झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों के चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले तथा उस पहले तथा उस वर्ण के वर्ण आते हैं। अगेन झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के चौथे, तीसरे, दूसरे, चौथे और उष्म वर्ण आते हैं। सूत्र कहता है झलाम च शून्ते। यदि प्रथम शब्द के अंत में झल के बाद फिर से झल के वर्ण आते हैं या कोई स्वर आता है तो झल के स्थान पर, अगेन प्रथम शब्द में झल के बाद प्रथम शब्द के अंत में झल के बाद, देखिए यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण झल का ही एक वर्ण है, तो प्रथम शब्द में झल के बाद प्रथम शब्द के अंत में झल के बाद फिर से झल का ही वर्ण आता है या कोई स्वर आता है, प्रथम शब्द के अंत में झल के बाद यदि फिर से झल का वर्ण आता है या कोई स्वर आता है तो यह जो झल है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है अर्थात जश में बदल जाता है। जश्न वर्गों का तीसरा वर्ण, अर्थात जिस वर्ण का यह वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो जो कि झल का ही एक वर्ण है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण द जो कि झल का ही एक वर्ण है, तो इसके आने से यह जो झल है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो थ
और दो शब्द बन जाएगा सतान। वैसे ही यदि प्रथम शब्द के अंत में तो के बाद कोई स्वर आता है तो यह तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, शब्द बनेगा जगदीश। वैसे ही सत प्लस आनंद लव प्लस धर्म युद्ध प्लस धर्म दुख प्लस धर्म। आप नियम के अनुसार इस कार्य को अगर करें, इसका अभ्यास करें, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण झलता है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर है, तो झल के बाद यदि कोई स्वर आता है तो यह झल अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, और यदि झल के बाद फिर से झल ही आता है तो प्रथम वाला झल अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इस प्रकार यहाँ सदानंद होगा, यहाँ लब्ध, यहाँ युद्ध, यहाँ दुग्ध। इस प्रकार छल संधि को बार बार पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।